सुफियान खान। खास बात में आप सभी का इस्तकबाल। खास बात ये जो हमारी इंटरव्यू सीरीज है, इसमें हम शहर की जानी मानी शख्सियत का इंटरव्यू लेते हैं, चाहे वो सियासत से आने वाली हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या प्रोफेशनल हो, या फिर पुलिस महकमे से आने वाली शख्सियत हो, या वो शख्सियत जो शहर में होने वाली सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। आज इसी कड़ी में हम जिनके पास आए हैं वो सादिका कारपोरेटर है, हमारे एक्स कारपोरेटर है, और उन्होंने अपने कारपोरेटर रहते हुए रोशनगढ़ इलाके में एक सरकारी अस्पताल लाए है, और आप सब जानते हैं कि उस अस्पताल से लाखों लोग ने फायदा उठाया और अभी भी उठा रहे हैं। और कोविड वैक्सीन के टाइम, कोविड काल के टाइम, कोविड वैक्सीनेशन के लिए शहर के और रोशनगढ़ के आसपास के लोग ही नहीं बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन जो है उन्होंने भी बहुत सा फायदा उठाया है। और सर ने कारपोरेटर रहते हुए लाइब्रेरी भी लाए हैं, शादी खाना भी लाए हैं, और बहुत से कामों में सर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और सर की उर्दू से एक खासी रुचि रही है, और इसलिए सर एक मुहिम भी चला रहे हैं कि उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। लेकिन आज हम सर के पास स्पेशली जिस मुद्दे के लिए, जिस बात के लिए आए हैं, वो औरंगाबाद का नामांतरण। मैं सर के पास माइक दे दूंगा और सर आपके सामने तफसीलात से तसुरात रखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सर को मैं और बीच में डिस्टर्ब करूँ सवाल में। आप जानने के लिए बेताब है कि औरंगाबाद नामांतरण की जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुंची, पेटिशन कितनी गई है और कहाँ तक गई है, तो मैं उसमें एक दो तीन सवाल सर के पास ऐड कर लेता हूँ, फिर सर है और आप हमारे नाज़रीन हैं। सर दानिश मीडिया में आपका इस्तकबाल। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सर क्वेश्चन ये था कि आपकी जो औरंगाबाद नामांतरण विरोधी जो कमेटी बनी है, इसमें कौन कौन मेंबर है, और जो इसकी पेटिशन है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में गई है, सुप्रीम कोर्ट में गई है, और इसकी सुनवाई वगैरह कर आप तफसीलात से हमारी नाज़रीन को बताइए। देखिए ये संभाजी का जो मसला आया है औरंगाबाद में, 1995 में हम जब चुन के आए थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो दूसरी बॉडी थी जिसके इलेक्शन जो है तो 1995 में हुए थे। पहले इलेक्शन जो है तो 17 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनने के बाद में 17 अप्रैल 1988 को पहली बॉडी बनी जिसमें 60 मेंबर थे। उस टाइम में हम भी चुन के आए थे और इस खैसर कॉलोन रोशन के वार्ड से। उसी तरह से दूसरे जो इलेक्शन हुए वो अप्रैल 2095 में हुए थे, और उस बॉडी के अंदर भी हम वहां पर नुमाइंदे थे। दूसरी बार भी हमारे महलों के लोगों ने बहुत प्यार से भी और अपनी जान लगा के, माल लगा के, उन्होंने हमको बहुत अक्सरियत से चुन के दिया। तो उस टाइम में 95 के करीब में ये जो है प्रस्ताव जनरल बॉडी के अंदर आया था कि औरंगाबाद शहर का जो तारीखी शहर है, जो 350-400 साल पुराने इसकी तारीख है, इसका नाम बदली करना। तो हम सब ने इसकी सख्त मुखालिफत किए थे वहाँ पर, और मुखालफत करते हुए हमने इस प्रस्ताव को, जो औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करना है, उसके हमने मुखालफत की। मगर उस टाइम सभागृह में मेजोरिटी हमारी लोग की कम थी और उनकी मेजोरिटी ज़्यादा थी शिवसेना बीजेपी की, उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल करते हुए वो प्रस्ताव को वहाँ पर मंजूर किया था। मगर हमने उसकी मुखालफत किए थे। हमारे साथी जो हमारे दूसरे मेंबर थे जो बारी कॉलोनी से चुन के आए थे, मुश्ताक भाई, उन्होंने मुश्ताक साहब ने जो है और हम सब ने मिल के उस प्रस्ताव की मुखालिफत की है, और मुश्ताक भाई उसके जो है नाम से पिटीशन एक हमने हाईकोर्ट के अंदर दाखिल की थी। हमने सब उनको सपोर्ट करे, पूरा शहर साथ निकाल के, उनकी मेहनत रही, और नीचे के कोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया, और ये सुप्रीम कोर्ट से नाम तब्दीली की, सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुखालिफत की थी कि भाई शहर का विकास करो, आपके पास कोई नाम है क्या, नहीं नाम बदली करने की कोई मुद्दे कोई है दूसरे है क्या, नहीं है ये शहरों का, तारीखी शहरों का नाम बदली कर रहे हैं आप। इस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वहां पर, उन्होंने फटकार महाराष्ट्र सरकार को लगाया था। और सर जो है तो कांग्रेस में काला मुकाम रखते थे, कांग्रेस में थे, लेकिन सर ने जैसे नामांतरण का हुआ उस टाइम सर ने इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन सर उर्दू के लिए भी एक बहुत मुहिम चला रहे हैं कि उर्दू को सेकंड दर्जे की मान्यता मिले महाराष्ट्र में, तो सर उस बारे में बताइए। देखिए पहली चीज ये है कि जब औरंगाबाद शहर का नाम बदली करने का महागाड़ी सरकार ने प्रस्ताव लिया जिसके अंदर कांग्रेस और एनसीपी शामिल थी शिवसेना के साथ, हमने सबसे पहले कांग्रेस को ये पूछा है कि भाई आप साथ में रहने के बावजूद भी, जबकि इनका प्रोग्राम जो था उस प्रोग्राम में नाम तब्दीली का यूटी के अंदर कहीं नहीं था, तो कांग्रेस के कैबिनेट के अंदर लोग मिनिस्टर्स रहने के बाद में प्रस्ताव कैसा पास हुआ। हमने हमारे पार्टी लेवल के ऊपर, कांग्रेस पार्टी लेवल पे हमने इसकी मुखालिफत की, जैसे तोहफा दिया था और आजाद चुन के दिया था हमको,
पचनों में। तो हमने उस टाइम में जो इस्तीफा बाबरी मस्जिद की शहादत पे दिया था, उसी तरह से हमने औरंगाबाद शहर की जो नाम बदली करे, तो हमने उस वक्त हमारे जो एक पोस्ट थी हमारे पास में प्रवक्ता की, औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जो है तर्जुमान, उस ओहदे से हमने फौरी इस्तीफा जब ही दे दिया था और हमने इसकी सख्त मुखालिफत किए थे। इस दरमियान में एमपीसीसी जो महाराष्ट्र के सदर थे नाना पाटोड़े ने, उन्होंने हमको बॉम्बे को बुलाया था, चलो बैठ के बात करेंगे। हमने उसकी मुखालिफत की और हमने कहा कि आप औरंगाबाद में आओ, जो बात करना है औरंगाबाद के शहरियों से करो, जो राजीनामा दिए उनसे करो। और हमने उस दिन से आज तक जो इस्तीफा दिए हैं, हमने उस ओहदे से कांग्रेस के वो जो पद था उससे हम उस पे अपने कायम हैं और इंशाल्लाह ताला हम कायम रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से बहुत जल्द हाई कोर्ट से हमको जो एस्टे जो मिला जाएगा, और इस चीज जो औरंगाबाद शहर तारीखी शहर है, 350-400 साल से जो तारीखी इसका इतिहास है वो वैसा ही बरकरार रहेगा इंशाल्लाह ताला। दूसरा, औरंगाबाद के अंदर जो है मराठवाड़े की जो राजधानी है वो हैदराबाद का एक हिस्सा है, दखन रहा है। यहाँ उर्दू बोली सुनी पढ़ी जाती थी, बहुत से साबिके जो लोग थे वो उर्दू से थे, जो इस मुल्क के वजीर आजम भी रहे और वजीर दाखला भी रहे। तो लिहाजा महाराष्ट्र में जो है मराठी लैंग्वेज को फर्स्ट जबान का दर्जा दिया गया है और बहुत से स्टेट है जहाँ पर दूसरी जबान जो है उर्दू को दी गई है। हम इस तरह की एक मुहिम लेके महाराष्ट्र में बहुत दिनों से चल रहे हैं और इस तरह के खतूत हमने बनाए हैं, जो हमने आपके पास खत दिए हैं वो खत जो है इस तरह के खतूत हमने बनाए हैं, वो खतूत के जरिए जो है हम पूरे इसमें महाराष्ट्र के अंदर जो है उर्दू को दूसरी जबान का दर्जा देना, इस तरह की हम मुहिम लेके चल रहे हैं। ये देखिए ये खत है, और महाराष्ट्र सरकार से हमने, कांग्रेस की और अघाड़ी की सरकार थी उसी टाइम कहा था ये कि उर्दू की दूसरा जो है जबान का दर्जा दिया जाए, जबकि मराठी पहली जबान है, उर्दू को उसका हक देना। हिंदुस्तान की आजादी के अंदर उर्दू की बहुत कुर्बानी है, अगर उर्दू नहीं रहती तो ये हिंदुस्तान आजाद नहीं होता था। रेशमी रुमाल तहरीक जो उलमाओं ने किए थे वो उर्दू में किए थे और उस रुमाल पे लिख के वो आजादी के मैसेज देते थे जो अंग्रेजों को पढ़ना नहीं आते थे, और वो रेशमी रुमाल तहरीक की वजह से हिंदुस्तान की ये आजादी अमल में आई। तो उर्दू को हम सलाम करते हैं और उर्दू को दूसरी उसका लैंग्वेज का दर्जा देना, उर्दू उसका हक चाहती है और उर्दू को उसका मुकाम मिलना चाहिए, ये हमारी तहरीक है और इंशाल्लाह इस पे अमल बहुत जल्द होगा आप लोगों के ताउन की वजह से। जी शुक्रिया। ये पे हमारे साथ मुस्लिम पहलवान जी ने कहा जाता है, सर अपने आप में एक इतिहास है जो कौम मिल्लत के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी जबान के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं और जद्दोजहद करते हैं, किसी अलग अलग तरह की मुहिम से और एनजीओ से भी जुड़े हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, अपने शहर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटल और हॉस्पिटल भी है सर की तरफ से, आपको पता है रोशन गेट जैसे इलाके में हॉस्पिटल है जिससे बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं, और लाइब्रेरी भी रोशन गेट एरिया में इन्होंने लाए हैं, ये सर के ही काम है। तो हम यही कहेंगे आपसे कि सर से और जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, उर्दू के लिए जुड़िए, अपने शहर के नाम के लिए जुड़िए, अपने शहर के विकास के लिए जुड़िए। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ मैं सुफियान खान, तामीर मीडिया।